गुड आफ्टरनून गाइस वेलकम टू आवर चैनल बिग न्यूज डी डी फो बी टू डेड वी आर बैक गाइस हमने प्रीवियसली काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं इस सीरीज को देखते हुए स्टॉक मार्केट की चीज़ों को देखते हुए आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर टू बी ग्लैड सी दिस इसकी मतलब रिस्पॉन्स अच्छे आए हैं और क्वेश्चन भी पूछे हैं लोगों ने आई मैं जिस तरीके से सोच रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आई एम लाइक ग्लैड टू बी कंटिन्यूस दिस सीरीज अब काफ़ी क्वेश्चन हैं उससे पहले स्टार्ट करने से पहले सीरीज को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे भाई का एक क्वेश्चन है uh, उन्होंने पूछा हुआ है कि वट इज़ दिस वेट अ मिनट गाइव आपने बहुत ही अच्छी मतलब लाइक येस यू स्टार्टेड अ वंडरफुल सीरीज थैंक यू सो मच एज सरताज ने पूछा हुआ है इट शुड बी अ फुल्ली प्राइज एक्शन स्ट्रेटजी योर वॉइस इज़ अ वेरी नाइस ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न थैंक यू सो मच ब्रदर अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि फ्यूचर और ऑप्शन कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट है पैसा कमाने का बेसिकली गाय ब्रदर अभी देखो अभी तक जो पढ़ाया हुआ है अभी तक जो सिखाया है उसके अंदर में अभी तक फ्यूचर ऑप्शंस नहीं आए बट फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर देर आर टू वाइडर डर्म्स फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत वाइडर डर्म्स हैं राइट नाउ अपने में ही बहुत बड़ी बात है फ्यूचर्स का मतलब और का मतलब एक single, एक सिंगल सिंपल सा तरीका अगर मैं तो ऑप्शन अगर आपको कमाने हैं तो आप इंडेक्स में जाओ जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले इंडेक्स होता गया तो ये जब ही क्वेश्चन मैंने उठाया है कि इंडेक्स होता गया इंडेक्स में पैसा लगाओ तो ऑप्शन में अच्छा पैसा बनेगा इंडेक्स होता गया अभी बताऊंगा डोंट टू वरी बस उनका आंसर मैं देने के लिए कि इंडेक्स के अंदर पैसा लगाओ और फ्यूचर में लगाना तो स्टॉक्स में लगाओ मैं ऑलरेडी गाइज मैं ऑलरेडी आपको स्टॉक्स के बारे में तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ स्टॉक स्टॉक होता गया है कि मतलब एक से ज़्यादा अगर मैं शेयर परचेज कर लूँ किसी कंपनी के दैट इज अ लॉट कॉल टू बी अ स्टॉक और एक पर्टिकुलर अगर मैं पर्टिकुलर राइट खरीद लूँ दोनों का मतलब एक ही होता है बट क्वान्टिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है राइट निफ्टी के बारे में जानते होंगे सेंसेक्स के बारे में जानते होंगे बट मेरे को थोड़े रिव्यूज आए हैं और मेरे को चीज़ आई कि सर आपने अच्छा समझाया है बट थोड़ा सा और ब्रीफ चाहिए तो मैंने एक और इसके अंदर एपिसोड बनाया है एपिसोड नंबर थ्री इससे पहले आप निफ्टी सेंसेक्स समझ चुके हो तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स क्या होते है तो विदाउट एनी फेल स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से जल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक के अंदर हम क्या कवर करने वाले ओनली टू टॉपिक्स uh, हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में समझेंगे इंडेक्स होता क्या है लोग बोलते हैं इंडेक्स क्या होता है क्या नहीं और हम इसे क्यों ज़रूरत है हमें इसे समझने की हमें क्यों पता होना चाहिए इंडेक्स के अंदर में राइट और सेंसेक्स और निफ्टी और अदर इंडाइसिस इंडाइसिस का मतलब और कुछ नहीं ट्रेडर इंडेक्स को ही बोलते हैं और दूसरे इंडेक्स के बारे में हम समझेंगे बेसिकली ट्रेडर क्या होता है कि इंडेक्स का मतलब अब मैं एक चीज़ बताऊँ बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कॉपी से पहले अगर कोई भी कॉपी खोलते हो तो उसके अंदर में एक इंडेक्स होता है दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर और राइट हैंड साइड कॉर्नर बीच में एक बीच में बड़ा सा वो सीरियल नंबर वन टू थ्री फोर करके आप लिखते हो इधर यहाँ पर्टिकुलर लिखते हो पर्टिकुलर का मतलब होता है कि जैसे कि आपने जैसे मान लो फर्स्ट नंबर पे मैंने इससे इतना काम किया ये इतना काम किया और उसके फिर पेज नंबर सेम एग्जैक्ट इंडेक्स भी वही दर्शाता है अपने को स्टॉक मार्केट में कि पहले नंबर पे कौन सा इंडेक्स आता है अब इंडेक्स होता क्या इंडेक्स में मतलब पहले वाला चैप्टर कौन सा है सेकेंड चैप्टर कौन सा है

आपका भी हम बिल्कुल लेंगे ठीक है तो गाइज़ मार्केट इंडेक्स का मतलब इंडेक्स बोलो मार्केट इंडेक्स बोलो आपने कभी एन एस वाई एन एस एन एस वाई मतलब एन एस एन वाई एस का मतलब होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कॉम्बोजिट लाइक इंडेक्स निके एस एन पी फाइव हंड्रेड तो ये जितनी भी हैं ना ये है बेसिकली आपके वर्ल्ड वाइड बट इंडिया की बात करें तो वी हैव ओनली टू इंडेक्सेस दिस इज़ वन इज सेंसेक्स एंड सेकंड इज़ निफ्टी फिफ्टी ओके दो निफ्टी और सेंसेक्स बोलेंगे जो हमारे इंडिया में जनरलाइज़ uh, किए गए हैं ये बोले जाते हैं और जनरली इनका जो नाम है हम क्या बोलते हैं बी और एन एस सी से uh, इनका क्या बोलते हैं हम नॉमिनेशन करते हैं जैसे कि इनका है ना जैसे कि हम या तो निफ्टी फिफ्टी पूरा लिख रहे हैं और सेंसेक्स लिख रहे हैं तो ऐसे ही जैसे नॉ नॉन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ही एग्जैक्टली सेम एज इट इज इसके अंदर में आपको दिया गया हुआ है राइट राइट ट्रेडर ट्रेडर इस इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि मार्केट इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है इन्हीं लोगों को बोला जाता है अब इनके अंदर क्या आता है सबसे पहले इंडेक्स होता क्या है और भी अच्छी तरीके से और और एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम जाकर के हम उसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले मार्केट स्टॉक इंडेक्सेस और क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस का मतलब होता है जब स्टॉक मार्केट को वो प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है या मेजर करता है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर ठीक है मैंने आपको एक इंडेक्स बताया कि मेरे फर्स्ट फर्स्ट पेज पे बैंक का दिया हुआ डेटा अगले पेज में वो एग्रीकल्चर का डेटा दिया हुआ है तो वो इंडेक्सेस की बात की जाती है राइट और इसके बाद में ये जो लिस्ट होती हैं स्टॉक लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में सिमिलर स्टॉक्स के ऊपर उनको मतलब जैसे सपोज करो बैंकिंग का डेटा है तो मेरे पास बैंकिंग के कितने शेयर्स हैं बैंक निफ्टी सॉरी मैं अभी बाद में चाहूंगा बैंक निफ्टी के अंदर बेसिकली yes, बैंक का बैंक का डेटा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी बैंक येस बैंक ये सारे के सारे एक ही तरीके के तरीके का शेयर है सारे, -सारे के सारे एक ही तरीके के शेयर हैं अगर एक तरीके के शेयर है तो कहने का लास्ट वाले वर्ड का मतलब कहने का मतलब है कि सेम सिमिलर टाइप के स्टॉक्स को हम एक नाम दे देते हैं तो इनका सभी का काम क्या है बैंकिंग काम है तो हमने इनका नाम दे दें दे निफ्टी और फिर बैंकिंग सेक्टर राइट समझ में आया ऐसे मान लो टाटा मोटर्स एल एंड टी मतलब अलग अलग मतलब जितनी मोटर्स और सारे कार कार के या ऑटोमोबाइल की कंपनी है उन्हें हमने निफ्टी ऑटो दे दिया अब ये चीज़ समझ में आया कि जो निफ्टी ऑटो निफ्टी बैंक ये सारे के सारे क्या चीज़ है जनरली है तो एक इंडेक्सेस है ना और कहाँ से चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं डोंट वरी ट्रेडर मैं आपको इसी के अंदर में इसी वीडियो के अंदर में बताऊंगा अभी कैसे चेक करते हैं कि अगर आप कोई बिगनर है तो कैसे आप इसे चेक कर सकते हो विदाउट एनी फेल ट्रेडर तो आगे बैठते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम एंड माई ऑल्सो ट्रेडर अगली हम बात करेंगे कि इंडेक्सेस के अंदर में निफ्टी इंडेक्स कैसे होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है और होता क्या है बेसिकली राइट ट्रेडर बेसिकली क्या होता है ट्रेडर की इसकी फुल फॉर्म ही अपने को जो है निफ्टी का जो फुल फॉर्म है वो बोलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एन ऑलरेडी बोला था और फिर बाद में पचास लग जाता है टू बी निफ्टी जो यहां मैंने आपको बोला 50, तो निफ्टी निफ्टी ठीक है तो फिफ्टी का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर आप नहीं समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सिर्फ इतना समझ लीजिए इतना समझ लीजिए सपोज करो वन टू और थ्री ठीक है मैं वेटेड एवरेज समझा रहा हूँ और तीन चार स्टॉक्स के नाम लिखे सपोज करो दो तीन और चार ऐसे स्टॉक प्राइसेस है इन दोनों को इंटू करेंगे दो आ गया इन दोनों को इंटू करेंगे सिक्स आ जाएगा इन दोनों को इंटू करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है तो अब हमारा क्या होता है जनरली क्या करते हैं हम ना एवरेज निकालते तो इन सभी को ऐड कर दिया छः बारह छः अठारह दो बीस बीस कर दिया और जनरली नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं बट इसमें क्या नंबर ऑफ आइटम को भी ऐड कर लेते हैं हम तो से डिवाइड कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों में काटने मतलब जो भी डिवाइड करने के बाद में उन पचास शेयर का जो पचास शेयर का जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली डिपिक्ट होगा आपका निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में ठीक है अब आपको समझ में आया कि निफ्टी फिफ्टी का चार्ट इतना फ्लक्चुएट होता है तो वो कैसे फ्लक्चुएट होता है राइट right, गाइज आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे फ्लक्चुएट होता है आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे और ब्रीफ नॉलेज और बहुत प्यारी नॉलेज आपको मिल गई होगी कि आपको कैसे वो ए, इनेक्ट होता है और किस तरीके से नहीं राइट right, राइटा और सेकेंड और ये बारह सेक्टर होते हैं बारह सेक्टर निफ्टी में कौन कौन से होते हैं मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली सेक्टर का मतलब आप आप मेरे को सिर्फ गिनती भी आप बता सकते हो अगर आप अगर एक महीना भी आप मार्केट को देखा है बैंक का सेक्टर ऑटो सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आपका पी एस यू सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स प्राइवेट बैंक सेक्टर्स अलग अलग बैंक्स होते हैं और इसमें क्या होता है टू मेन स्टॉक इंडाइसिस होता है इंडिया में जो कि हम ऑलरेडी वन ऑफ मतलब इनमें से एक निफ्टी है और दूसरा क्या है सेंसेक्स है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ट्रेडर राइट तो बिगनेस इस चीज के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसका फेस बेस वैल्यू वन थाउजेंड होता है बेस वैल्यून थाउजेंड का मतलब क्या हुआ बेसिकली बेस वैल्यू वन थाउजेंड का मतलब है कि इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो वन थाउजेंड की अराउंड ऑफ होती है बिकॉज ये अराउंड ऑफ थाउजेंड ऑफ शेयर के अब का इंडेक्स है राइट इसके अंदर में मैं बताऊंगा इसका थोड़ा सा आपको मतलब आपको अर्ली सॉरी आने वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा बेस वैल्यू वन थाउजेंड का मतलब क्या इधर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे देखो मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए उठाता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस क्वेश्चनों को इसलिए उठा रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है उस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है मैं वो बताना चाहता हूं आपको ठीक है अगला निफ्टी इंडेक्सेस को कैसे समझेंगे देखो ये पांच सौ कंपनी निफ्टी फिफ्टी में पांच सौ कंपनी आ गई पहली सौ कंपनी निफ्टी हंड्रेड गलाएगी दूसरी वन फिफ्टी कंपनी मतलब जैसे कि पहली हंड्रेड होगी अब बची कितनी कंपनी चार सौ कंपनी चार सौ में से वन फिफ्टी मेडी कैप करेंगी मेडिकैप का मतलब क्या होता है स्मॉल कैप का मतलब क्या होता है और मल्टी कैप का मतलब क्या होता है आने वाली सीरीज में आपको पता चलेगा सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि कैसे पाँच सौ शेयर को बाइफ्रिगेट किया जाता है फिर ट्रेडर लास्ट में आती बची हुई दो सौ पचास कंपनी जिसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप टू फिफ्टी

अब ऐसे जो 150 है उसमें पहली 50 होती है निफ्टी मेडिकैप uh, 50 फिर 150 और ऐसे सेम एग्जैक्ट इसमें भी आपको देखने को मिलता है राइट तो निफ्टी मेडिकैप शेयर के अंदर में 400 कंपनी मिल जाती है निफ्टी लार्ज कैप के अंदर में 250 और निफ्टी 200 में आपको मतलब 200 हंड्रेड शेयर तो टोटल मिलाकर काफी अच्छा समब आपको इधर देखने को मिलता है राइट ट्रेडर्स आपको चीज मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं आ रही होगी डोंट वरी आपको लाइव एग्जाम्पल बिल्कुल दिखाया जाएगा कैसे चेक करते हैं और कहाँ से पता चलता है कि ये चीज़ें राइट डोंट वरी सिर्फ वेट uh, कीजिए टू टू थ्री मिनट्स का टेक टिकट एडर निफ्टी फिफ्टी में देखो ये आ गया निफ्टी बैंक सारे बैंक के शेयर्स होंगे सिर्फ बैंक के शेयर्स ये चेंजमेंट कहाँ से आता है ये चेंजमेंट कहाँ से आता है ये चेंजमेंट आता है गाइस कि आज पूरे स्टॉक्स में जितने एच डी एफ सी बैंक पी एन बी एस बी आई एक्सिस जितने भी बैंक है जितने भी मतलब जितने भी बैंक है आपके इधर देखेंगे जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी इधर देखेंगे फाइनेंस की रिलेटेड यहाँ मिलेगी एफ एम सी जी की यहाँ मिलेगी आई टी की मीडिया की मेटल की फार्मा की पी एस यूज की प्राइवेट की और रिलेटिव तो समझ में आया कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता था आपको तो ट्रेडर अभी जैसे हमने इधर बात कर ली अपनी राइट एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बात कर ली है कि अपने क्या होता है क्या नहीं राइट ट्रेडर कल्ला बदल लेता थोड़ा सा समझ में आया अब चलो विदाउट एनी वेस्ट टाइम अगला जो टॉपिक है अपना सेंसेक्स का है उससे पहले अपने को इसको चेक करता है ठीक है तो सबसे पहले ये वेबसाइट है अपनी कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेबसाइट का नाम देख लो डब्ल्यू 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 वन डॉट एन एस सी इंडिया डॉट कॉम करके देखोगे तो आपको ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको होम आपको अभी जो करंट प्राइस है अभी मार्केट में निफ्टी फिफ्टी ओपनिंग मार्केट जो भी अभी चल रहा है जो भी अभी उसका इंडेक्स है आज मार्केट इतना ग्रीन है इतना रेड है इतने एडवांसेस और एडवांसेस का मतलब है इतने शेयर आज ग्रीन में और आज इतने शेयर डाउन में तो पता कैसे चलेगा लाइव मार्केट पर आप अपना एरो लेकर के आएंगे नीचे इक्विटी स्टॉक्स लिखा हुआ है इक्विटी स्टॉक्स पर प्यार से क्लिक करेंगे आप देखो ट्रेडर ऊपर आपको कलते दिखा हुआ है निफ्टी फिफ्टी लिखा हुआ है गाइस निफ्टी फिफ्टी लिखा हुआ है तो निफ्टी फिफ्टी के ऊपर जैसे देखो अलग अलग आपको निफ्टी फिफ्टी निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी निफ्टी मेडिकल फिफ्टी स्मॉल ओटो अब देखो ये तो है गाइज आपके बॉड मार्केट इंडेक्सेस तो बॉड मार्केट इंडेक्स का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आपके सेक्टर का मतलब है कि सेक्टर वाइज बैंकिंग ऑटो एनर्जी लाइक आपका फाइनेंशियल सर्विसेज एफ एम अगर आप क्या बोलते हैं अलग अलग भी जाओगे ना तो आपको अलग अलग इंडेक्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे राइटा फॉर एग्जाम्पल आपके पचास अगर आप निफ्टी फिफ्टी का मतलब है अगर जो आगे फिगर लिखे ना तो इतने ही शेयर आपको मिलेंगे तो आज निफ्टी फिफ्टी कितना ऊपर है कितना चेंजमेंट आया है मतलब इन सभी शेयरों की वजह से इन शेयरों की वजह से जो टोटल आया है ना इस टोटल को आप इधर कर देते हो प्लस आया प्लस माइनस आया माइनस तो वही आपको फिगर आपकी मार्केट में आपको आपके निफ्टी फिफ्टी के चेंजमेंट में दिखती है इसे राइट चलो मैं आपको निफ्टी बैंक का ऑटो का दिखाता हूँ देखो निफ्टी ऑटो आगे सारे ऑटो के शेयर आ जाएंगे आपको ठीक है आप ये देखो नाइन एडवांसेस हैं दिखा भी रहा है कि नाइन एडवांसेस में ग्रीन में और छह रेड में रहे हैं फिर आप बैंक का भी देख सकते हो आज तो बैंकिंग सेक्टर आपका आ, मतलब ऑलमोस्ट टू बी अ डाउन रहना चाहिए बट फिर भी जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं वो ऊपर हैं और जो मतलब मतलब शेयर का जो ऊपर नीचे एच बैंक ने बचा लिया आज तो आज इसलिए ग्रीन में है एनर्जी का देखोगे आज एनर्जी भी ग्रीन में है फिनांशल सर्विसेज भी ग्रीन में है गाइस और आप ऐसी चीज़ चेक कर सकते हो तो आपको पता चल गया ना गाइस कैसे चेक करना है आपको राइट तो चलो आप अपने वापस चलते हैं ये चीज़ निफ्टी फिफ्टी क्लियर हो गया आई थिंक मैंने निफ्टी फिफ्टी आपके लिए क्लियर कर दिया एपिसोड थ्री के अंदर में एपिसोड थ्री के अंदर में अब सेंसेक्स की बात करते हैं देखो सेंसेक्स के इंडेक्स में और कुछ भी नहीं है सेम एग्जैक्ट जो आपने शेयर यहाँ देखे वही सेंसेक्स में आते हैं बट टॉप थर्टी थर्टी आते हैं वो थर्टी शेयर्स फोर्टी शेयर्स फिफ्टी शेयर्स कैसे डिसाइड होते हैं मैं अगले वाले एपिसोड में बिल्कुल बताऊंगा बट आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा राइट अब जैसे कि उसका एन एस सी का मतलब निफ्टी फिफ्टी के फिलफॉर्म का मतलब क्या था देखो निफ्टी फिफ्टी का क्या था अपना निफ्टी फिफ्टी का था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिफ्टी सेम एज इट इज इधर क्या है सेंसेक्स का है सेंसिटिव इंडेक्स ओके अब इट रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट क्या करता है वेटेड एवरेज ऑलरेडी बता चुका हूँ वो पचास का करता है या थर्टी का करता है राइट right? तो ये इंडियन स्टॉक इन डिफरेंट सेक्टर अब ये देखो कहने का मतलब है ये जो करता है देखो ये बारह सेक्टर्स में करता है बट वो जब तीस शेयर्स होंगे ना वो बारह वो तीस के तीस हो सकते हैं कि बैंकिंग के हूँ इसके भी हूँ इसके भी हों तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पहली 30 कंपनी कौन सी है डोंट वरी मैं आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द इस सीरीज uh, के मतलब नॉट सीरीज इस वीडियो के बाद में लास्ट पार्ट अकेले सेंसेक्स का ही बचा के रखा है मैंने ठीक है uh, और ट्रेडर क्या बोलते हैं दो में से अब मैंने आपको अभी पहले बताया था दोनों में से एक वन ऑफ द सबसे बड़ी इंड का नाम है उसका फेस वैल्यू उसका हजार था और इसका बेस वैल्यू हंड्रेड है राइट right, ट्रेडर अगला ट्रेडर आपको निफ्टी का जैसे निफ्टी फिफ्टी में आपने देखा निफ्टी फिफ्टी में देखा ना पचास शेयर होते हैं आपके जैसे ये पचास शेयर है मैं आपको बता के दिखा देता हूं निफ्टी फिफ्टी में जैसे पचास शेयर ये सारे के सारे ऐसे ही इन्हीं में से कोई तीस जो टॉप थर्टी शेयर्स होंगे वो निफ वो एन एस सी बी एस सी में आते हैं कॉल टू बी सेंसेक्स थर्टी जैसे येस बैंक सबसे ऊपर था जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है अभी नेट से निकाला था तो ये सारे पहले तीस कंपनी ऐसी हैं जिनका क्या बोलते हैं हाईएस्ट टू बी द वेटेड सेंसेक्स सबसे ज्यादा बड़ी सेंसेक्स की क्या बोलते हैं हाईएस्ट है. वेटेड तो वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग ही इनको क्या बोलते हैं वेट दिया जाता है और उसके हिसाब से ही मार्केट के अंदर लिस्ट किया जाता है राइट ट्रेडर अब आपका एक मिथ भी रहेगा वो अगले बिल्कुल बिल्कुल है, अगले वीडियो में आपका वो मिथ भी मैं कंप्लीट करूंगा तो ट्रेडर अभी के लिए आज इतना ही एपिसोड थर्ड में तो कवर है सीरीज़ में हमने बहुत अच्छे से किया है अगर ट्रेडर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिटर है हमारे सीरीज़ के तो प्लीज़ ट्रेडर आप हमारी सीरीज़ को अगर और भी कंटिन्यू रखना चाहते हो और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ट्रेडर और अगर किसी को डीमेट अकाउंट खुलवाना है अपनी मर्जी से खुल लो ठीक है अगर किसी को नहीं खुलवाना है और खुलवाना चाहता सपोज खुलवाना चाहता है उसे प्रॉपर लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो थैंक यू सो मच ट्रेडर टू वॉचिंग दिस वीडियो And don't forget to subscribe our channel, Data of Our Bigness, DD b Thank you so much.